सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में। वेंटिलेटर में बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, टीवी, FiO2, पीप, ये सारी चीजें क्या है ये हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वेंटिलेटर में काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम वेंटिलेटर के सामने काफ़ी बार जाते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि ये सारे पैरामीटर्स का क्या मतलब निकलता है। टाइटल वॉल्यूम क्या है, FiO2 क्या है, पीप क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो हो सके तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। दोस्तों वेंटिलेटर में सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है टाइटल वॉल्यूम। यहाँ पे एक वॉल्यूम जो है वो मशीन में सेट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल से सेट कर रहा हूँ कि 500 ml सेट किया है, तो यहाँ पे 500 ml पर मिनट जो है वो पेशेंट को डिलीवर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये टाइटल वॉल्यूम का ये मतलब है कि हर मिनट मशीन ये वॉल्यूम को पेशेंट को डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे अब बात ये है कि टाइटल वॉल्यूम की जो अमाउंट है 500 ml वो कैसे डिसाइड होती है। दोस्तों वो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। बेसिकली क्या होता है कि 10 ml पर kg के हिसाब से उस चीज़ को सेट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका वेट 50 kg है तो आइडियली आपका टाइडल वॉल्यूम होना चाहिए 500 ml पर मिनट। अगर यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि 50 kg है तो वो 500 ही रखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है, आपके लंग्स हेल्दी है या नहीं। अगर आपके लंग्स हेल्दी नहीं होंगे तो वो रेट कम भी होगा, लेकिन यहाँ पे आइडियली वो रेंज जो है वो होती है 400 ml टू 800 ml। तो 400 ml से लेके 800 ml तक ये टाइडल वॉल्यूम का सेट किया जाता है। कंप्लीटली ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका वेट 40 kg है तो आपको 400 ml ही सेट किया जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके लंग्स के ऊपर कि वो हेल्दी है या नहीं। अब यहाँ पे उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो है रेस्पिरेशन रेट्स। सिंपल है कि हर मिनट मशीन आपको कितने ब्रेट्स देगा वो यहाँ पे आपको सेट करने पड़ते हैं। तो वो यूजुअली 10 टू 15 के बीच में होते हैं। तो अगर 10 सेट किया है तो यहाँ पे ये मतलब निकल के आता है कि मशीन हर मिनट 10 ब्रेट्स जो है वो आपको डिलीवर करेगा। उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है दोस्तों वो है FiO2। अब यहां पे FiO2 जो है उसका फुल फॉर्म है फ्रैक्शन ऑफ O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, अगर आपको नहीं पता है तो O2 का मतलब है ऑक्सीजन। अब यहां पे दोस्तों ये FiO2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब वेंटिलेटर जो है वो पेशेंट को 21% टू 100% ऑक्सीजन दे सकता है, 21% टू 100%। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार 100% तो ठीक है कि उससे ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 21% क्यों, ये इतना ऑकवर्ड फिगर क्यों। यहाँ पे दोस्तों एटमोसफियर का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 20-21% होता है, इसलिए ये 21% से स्टार्ट होता है। अगर 21% है तो एटमोसफियर गैस के बराबर ही हो गया एंड 100% हो गया 100% ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप वेंटिलेटर के सामने जाते हो और यहाँ पे FiO2 की जो वैल्यू है वो 49 है, तो उसका ये मतलब है कि पेशेंट को जो 100% गैस मिल रहा है उसमें से 49% जो है वो है ऑक्सीजन, वो है प्योर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे FiO2 का ये मतलब निकलता है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार FiO2 की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। दोस्तों उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। कंटिन्यूअसली ICU में ABG भी मेजर होता है ब्लड गैस, तो उसके हिसाब से ही ये FiO2 का सेट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना कि ये 50 होगा या नॉर्मल रेशियो क्या होगा वो डिफिकल्ट है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे एंड ब्लड गैस पे। उसके बाद दोस्तों आता है पीप। अब सबसे पहले वेंटिलेटर में ये पैरामीटर सेट होता है जिसका फुल फॉर्म है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सिंपल एक पॉजिटिव प्रेशर होता है जब आप ब्रेथ आउट करते हो। यूजुअली ये मैकेनिकल वेंटिलेशन जो होते हैं
वो आपको प्रेशर देते हैं इनहेलेशन के टाइम में, ताकि आप अच्छे से ब्रेथ ले पाओ। लेकिन यहाँ पे पीपीए एक ऐसा प्रेशर है जो जब एक्सपिरेशन चल रहा होता है उसके बाद ये पॉजिटिव एंड प्रेशर रखा जाता है, ताकि कुछ अमाउंट में गैस जो है वो लंग्स के अंदर रहे। उनका रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि लंग पूरी तरह से एक्सपांड नहीं होता हो पाता है। तो अगर कुछ अमाउंट में वॉल्यूम वहाँ पे है, तो वहाँ पे जब दूसरा ब्रेथ आएगा तो वो लंग्स प्रॉपरली एक्सपांड हो पाएंगे। तो ये पीप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इसकी वैल्यू 3 to 5 CmH2O होती है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अब उसके बाद दोस्तों आता है IE। ये आई का ये मतलब है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशियो। अब इसका क्या मतलब है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशियो क्या है? अब यहां पे मोस्टली दोस्तों, मोस्टली हर एक पेशेंट में ये रेशियो रहता है 1:2। लेकिन यहां पे बात ये है कि ये 1:2 का मतलब क्या है। तो यहां पे एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा। यहां पे जो एफ है, मान लीजिए F, ये पेशेंट हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें 10 है, तो यहां पे 10 ब्रेथ्स 60 सेकंड्स में डिलीवर मशीन को करने हैं। तो एक ब्रेथ डिलीवर करने के लिए मशीन को रिक्वायर जो टाइम होगा वो होगा 6 सेकंड्स। अब यहां पे आपका रेशियो है 1:2, एक ब्रेथ के लिए मशीन जो टाइम लेगा वो है 6 सेकंड्स। तो अब यहां पे ये रेशियो के हिसाब से 2:4 हो जाएगा। उसका ये मतलब है कि इंस्पिरेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के लिए मशीन लेगा 2 सेकंड्स का टाइम, इंस्पिरेशन टाइम, एंड एक्सपिरेशन जो टाइम होगा उसके लिए मशीन लेगा 4 सेकंड्स का टाइम। तो यहाँ पे ये 2+4 होके 6 सेकंड्स हो गए, तो 6 सेकंड्स की एक साइकिल खत्म हो जाएगी। ऐसे ही 10 साइकिल्स जो है वो 1 मिनट के अंदर खत्म होगी। तो यहाँ पे अगर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशियो बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपको रेट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सारी बात हो गई आईई रेशियो के बारे में। अब हम बात करेंगे आरवी के बारे में। अब यहां पे आरवी का फुल फॉर्म है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि जब आप यहां पे पीप में, मैंने आपको बताया कि कुछ अमाउंट में वॉल्यूम अंदर रहता है, तो जो वॉल्यूम ब्रेथ आउट करने के बाद अंदर रहता है उसे कहा जाता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। मान लीजिए ये आपके लंग्स थे इनिशियल कंडीशन में, जब आप ब्रेथ कभी लिया ही नहीं आपने, फिर उसके बाद मान लीजिए ये एक्सपांड होके इस तरह से हो गए, जब आप ब्रेथ आउट करोगे तो वापस ये कंडीशन में नहीं जाएंगे, उसके अंदर कुछ अमाउंट में गैसेस होगा, तो वो इससे बड़े हो गए, इससे थोड़े छोटे हो गए। तो ये जो कुछ अमाउंट में गैस जो है वो लंग्स के अंदर रहता है उसे कहा जाता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। अब रेसिड्यूअल वॉल्यूम के बाद दोस्तों आता है ERV एंड IRV। यहां पे इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोस्तों यहां पे ये जो दो टर्म है इसका जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम, आप मैक्सिमम कितना मतलब एक्सपिरेशन में गैस को बाहर निकाल सकते हो, एग्जॉस्ट कर सकते हो, एंड इंस्पिरेटरी मतलब आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो। तो ERV का ये मतलब है कि आप मैक्सिमम कितना गैस एग्जॉस्ट कर सकते हो, जितना बाहर निकाल सकते हो, एंड इंस्पिरेटरी IRV का जो मतलब है कि आप कितना मैक्सिमम कितना गैस जो है वो इनहेल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात आती है VC के ऊपर। अब VC का फुल फॉर्म है वाइटल कैपेसिटी। अब दोस्तों जब आप बहुत ही डीपेस्ट ब्रेथ लेते हो, बहुत ही डीपेस्ट इनहेलेशन करते हो, उसके बाद आप जितना एग्जॉस्ट करते हो, जितना आप ब्रेथ आउट करते हो, उसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। आप जब डीपेस्ट ब्रेथ लेते हो उसके बाद आप जब गैस आउट जाता है, आप जब एग्जॉस्ट करते हो उसे, तब आप जितना गैस आउट करते हो उसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी।
तो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी का ये मतलब होता है कि आप जब मैक्सिमम गैस इन करते हो और उसके बाद आप जो गैस आउट करते हो, जब वो गैस आउट होता है वो कितना है, क्योंकि वहां पे कुछ अमाउंट में आरवी भी तो होगा। तो ईआरवी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये वीसी जो है वो एक्चुअल में जब आप डीपेस्ट ब्रेथ करते हो उसके बाद आप जितना गैस आउट करते हो वो है, और जो अंदर बच जाता है उसे कहा जाता है आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब दोस्तों जो लास्ट टर्म है उसे कहा जाता है टीएलसी, उसका फुल फॉर्म है टोटल लंग कैपेसिटी। अब दोस्तों ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है उसे कैलकुलेट करने के लिए दो पैरामीटर्स का यूज होता है, उसमें से एक है आरवी एंड दूसरा है वीसी। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो सम है आरवी प्लस वीसी का। एक सिंपल ही एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा। आपने जब ब्रेथ इन किया, ब्रेथ आउट किया, मैंने आपको बताया था कुछ अमाउंट में गैस जो है वो अंदर रह जाता है। मान लीजिए कि ये मैं जो आप ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं वो है आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो बच गया है अंदर, एंड जो बाहर निकल गया है वो है वीसी। तो आपने जो बाहर निकाला प्लस जो अंदर था, अगर आप दोनों का सम करोगे तो आपको मिलेगा टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है दोस्तों वो है सम ऑफ आरवी एंड वीसी। तो यहां पे दोस्तों ये सारे जो पैरामीटर्स है वो वेंटिलेटर में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया था यूजुअली हम वेंटिलेटर के सामने जाते हैं, काफी सारे पेशेंट्स, काफी सारे रिलेटिव्स रहते हैं, हम उनको देखने के लिए जाते हैं, हम अंदर जाते हैं वेंटिलेटर के सामने देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, आई रेशियो क्या है, FiO2 क्या है। तो दोस्तों मेरा ये मोटिव था कि अगर आप अब वेंटिलेटर के सामने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टाइडल वॉल्यूम है तो उसका ये मतलब निकलता है। अगर 500 सेट किया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एवरेज वेट 50 kg है तो इसलिए वो 500 ml सेट किया हुआ है। तो अगली बार जब आप वेंटिलेटर को देखोगे तो आप उसके पैरामीटर्स को भी समझ पाओगे। तो आशा रखता हूं मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव जो है वो आपको क्लियर हुआ है, आपको पता चला है कि वेंटिलेटर सेटिंग्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसका मतलब क्या होता है और उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में, उन्हें पता हो कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, आइडियल टाइडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पीप क्या है, FiO2 क्या है, एंड वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अवेयरनेस आए, लोग समझ पाए वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में। अगर दोस्तों आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर से दबाइए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। जल्दी ही ऐसे फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।